अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, और हरियाणा में भी किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। किसान आंदोलन में शामिल होने वाली पश्चिम बंगाल की युवती से रेप मामले में जिस किसान नेता अनूप चानोत पर FIR दर्ज हुई है वो हरियाणा के हांसी एरिया के चानोत गाँव का है। अनूप ने अब इस मामले में फेसबुक पर आकर सफाई दी है। आपको बता दें कि अनूप के मुताबिक किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बता रहा है। अनूप कई साल तक आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा है। 2019 में अनूप को बरवाला विधानसभा से टिकट भी मिला था लेकिन उसका फार्म रद्द हो गया था। अब वो किसान आंदोलन से जुड़ा है। आरोपी अनूप के अरविंद केजरीवाल, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दुष्यंत चौटाला समेत कई नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि यह कई नेताओं से जुड़ा भी रहा है। इसमें सब चीजें ये चीज निकल के आई थी कि उसके साथ लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी और वो भी ट्रेन में हुई थी और लड़की ने बताई थी, लेकिन रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। और जो आज चीजें फैलाई जा रही, हम इस बात के बिल्कुल पक्ष में हैं, जिसने जो भी गलत किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसी वजह से हमने अनिल मलिक को संगठन से बाहर कर दिया था और आज भी हम ये बोल रहे हैं जो दोषी है उसको सजा मिले। लेकिन रेप जैसी जो चीजें फैलाई जा रही किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए वो बिल्कुल गलत है। तो सफाई दी जा रही है। एसआर में आपको बता दें रेप का आरोपी ये चानोद गांव का रहने वाला अनूप किसान आंदोलन से शामिल होने आई युवती से रेप का आरोप लगा है। अनूप आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है। तो अनूप ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक युवती यहां पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आई थी। अब उसकी कुछ दिन पहले कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन उसके पिता ने अनूप समेत करीब 6 लोगों पर केस दर्ज कराया है।